हेलो गाइस, अगर आप भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल में सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही एक यूट्यूब चैनल को बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और मेरे लिए चैलेंजिंग भी, क्योंकि मैं यहाँ पर एक टाइमर सेट करूँगा 10 सेकंड का और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही अपने मोबाइल में एक यूट्यूब चैनल बना करके दिखाऊँगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा बोया बाय MM1 माइक को, जो कि एक परफेक्ट माइक है। तो अगर आप व्लॉगिंग करते हैं या फिर आप एक नॉर्मल वीडियो शूट करते हैं तो ये माइक आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये माइक आपके बैकग्राउंड की नॉइज़ को बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करता है और आपके वॉइस को परफेक्टली रिकॉर्ड करता है, जिससे आपके वीडियो की साउंड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। तो अगर आप इस माइक को परचेस करना चाहते हैं तो इस माइक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं जिस माइक का यूज़ करता हूँ बोया बाय M1 माइक, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज, एक YouTube चैनल बनाने के लिए हमारे पास एक जीमेल होना चाहिए, और जब हम पहली बार अपना मोबाइल सेटअप करते हैं तो उस समय हमें अपना एक जीमेल बनाना पड़ता है, और आजकल लगभग सभी के मोबाइल में ऑलरेडी एक जीमेल लॉगिन रहता है। तो चलिए हम यहाँ पर एक टाइमर सेट करते हैं 10 सेकंड का, एंड हम यहाँ पर YouTube ओपन करते हैं एंड आपको सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही एक YouTube चैनल बना करके दिखाते हैं। तो YouTube ओपन करने के बाद आपको सबसे ऊपर में लोगो पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको योर चैनल पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर नाम में आप अपने चैनल का एक नाम रख सकते हैं, एंड उसके बाद आपको क्रिएट चैनल पर क्लिक करना है। तो इस तरह से यहाँ पर सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही मेरा एक YouTube चैनल बन गया है। तो आप भी सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही अपना एक YouTube चैनल बना सकते हैं। तो गाइज, मैंने यहाँ पर अपना चैलेंज कंप्लीट करने के लिए जल्दी जल्दी एक चैनल बना के दिखा दिया हूँ, लेकिन जब आप अपना चैनल बनाओगे तो उसमें सबसे पहले आपको अपने चैनल के लिए एक अच्छा सा नाम सोचना है, एंड वही नाम आपको अपने चैनल में रखना है, एंड उसके बाद आपको अपना चैनल बनाना है। तो गाइज, YouTube चैनल बनाने के बाद आपको अपने चैनल में कुछ और फर्दर सेटिंग्स करने हैं, एंड इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, एंड क्रोम ब्राउज़र में आपको YouTube ओपन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर YouTube ओपन कर लेते हैं, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट इनेबल कर लेना है, जिससे आप अपने कंप्यूटर में जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो ये सब हो जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको योर चैनल पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको बेसिक इन्फो पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप अपने चैनल का एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, तो आप अपने चैनल पर जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस डालेंगे उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर अपना एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे अगर आप नहीं जानते हैं कि किस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप मेरे चैनल के अबाउट में जा करके मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर अपना एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, और यहाँ पर चैनल URL में आपके चैनल का URL दिया गया है, एंड नीचे लिंक्स है, तो ऐड लिंक पर क्लिक करके आप अपने चैनल में एक्सटर्नल लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे आप अपने फेसबुक का, ट्विटर का या फिर इंस्टाग्राम का लिंक ऐड कर सकते हैं। तो लिंक ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर लिंक टाइटल में उसका टाइटल डालना है जिसका आप लिंक ऐड करना चाहते हैं। जैसे अगर आप फेसबुक का लिंक ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिंक टाइटल में फेसबुक लिखना है, एंड यहाँ पर URL में आपको अपने फेसबुक पेज का URL डालना है। तो इस तरह से आप 5 लिंक को ऐड कर सकते हैं, एंड नीचे यहाँ पर दिया गया है कॉन्टैक्ट इन्फो, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जिससे अगर कोई व्यक्ति आपको बिजनेस इंक्वायरीज के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो आपको इस ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। एंड यहाँ पर ब्रांडिंग में, पिक्चर में यहाँ पर आप अपने चैनल के लिए एक लोगो को अपलोड कर सकते हैं, एंड बैनर इमेज में यहाँ पर आप अपने चैनल के लिए एक बैनर इमेज को अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आप अपने चैनल आर्ट को ऐड कर सकते हैं। एंड नीचे दिया गया है वीडियो वाटरमार्क, तो यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके आप अपने वीडियो के लिए एक छोटा सा वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके वीडियो के कॉर्नर में दिखाई देगा। तो गाइस, किस तरह से आपको अपने चैनल को पूरा का पूरा कस्टमाइज़ करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो। एंड साथ ही साथ मैं आपको अपने चैनल पर YouTube से रिलेटेड सभी जानकारी दूंगा कि किस तरह से आपको YouTube पर ग्रो होना है, एंड किस तरह से आप अपने फेवरेट यूट्यूबर की तरह YouTube पर फेमस हो सकते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में मैं अपने चैनल पर बताऊंगा, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।